हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी तक हमने इनकम टैक्स का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का रिवीजन कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं यूनिट 4 का रिवीजन। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर कुछ इनकम दी गई है जो कि मानी जाती है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर आती है। अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो ये इनकम आपके ड्यू बेसिस पे कंप्यूट की जाती है। और अगर आप कैश सिस्टम मेंटेन करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो फिर आपकी इनकम रिसिप्ट बेसिस के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। अगर एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करता है तो फिर उसकी इनकम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। सेक्शन 10 क्लॉज 15 फॉर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसमें कुछ इंटरेस्ट और डिविडेंड दिए गए हैं जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं और इन पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। और इन्हें कैलकुलेशन करते वक्त आपको प्रॉब्लम में नहीं लेना चाहिए, जो कि है 12 ईयर्स नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट, स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस पब्लिक अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनकम ऑन म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट, शेयर इन HUF इनकम एक्सेट्रा। अब जानते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। लॉटरीज से कुछ भी पैसे कमाए हों आपने, इनकम कमाई हो, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, इन सारी चीज़ों से कोई भी कमाई हुई है आपकी, तो वो चार्जेबल होते हैं इनकम टैक्स में या नहीं? तो ये चार्जेबल होते हैं इनकम टैक्स में एट फ्लैट रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज ऑन द ग्रॉस विनिंग। अब जानते हैं गिफ्ट्स अगर आपको मिले हैं तो उन्हें भी कैसे इंक्लूड किया जाता है। गिफ्ट्स अगर आपको मिले हैं तो वो भी टैक्सेबल होते हैं। अगर आपको मनी मतलब पैसे मिले हैं गिफ्ट में और वो 50,000 से ज़्यादा हैं, तो फिर वो अमाउंट पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। और अगर आपको एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है गिफ्ट के तौर पर, जैसे कि बिल्डिंग या फिर लैंड या फिर दोनों, तो फिर ये भी टैक्सेबल इनकम होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और आपकी स्टैम्प ड्यूटी 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर आपकी पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है, तो फिर स्टैम्प वैल्यू में से कंसिडरेशन माइनस करके जितना भी 50,000 के ऊपर आपका डिफरेंस एक्सीड करता है उस पे आपको टैक्स लगता है। और फिर आता है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप मूव कर सको, जैसे कि शेयर, सिक्योरिटीज़, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, ज्वेलरी, इन इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन आपको दी जा रही है और इसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसे प्रॉपर्टी की एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी की पूरी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होती है। और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे आपको दिया जा रहा है, तो फिर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू में से कंसिडरेशन माइनस करने के बाद जो भी आपका बैलेंस होता है, अगर 50,000 से ज़्यादा होता है, तो फिर वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं जो कि है डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि कौन सी इनकम्स एलिजिबल होती हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ग्रॉस टोटल इनकम में से ये 4 इनकम जो मैं अभी बताऊँगी उस पर एलिजिबल नहीं होता है डिडक्शन। उसके अलावा बाकी चीज़ों पर, बाकी इनकम पे डिडक्शन अलाउड होता है। ये 4 चीज़ें कौन सी है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सेकेंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, थर्ड है कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 क्लॉज 2 जो कि है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स. उसके बाद फोर्थ है इनकम्स रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115BBA एंड 115D. उसके बाद अगर AOP या फिर BOI मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने डिडक्शन क्लेम की है तो फिर डिडक्शन नहीं दी जाती है. उसके बाद अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो उसके लिए आपको टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना ज़रूरी होता है अंडर सेक्शन 80IA to 80RRB. जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारों के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है. उसके बाद डबल डिडक्शन नहीं होता है. अगर आपका Chapter 4 के Part A में अगर कोई भी डिडक्शन जो बताए हैं वो अगर हो चुकी है तो उसके बाद वापस से और डिडक्शन नहीं होता है इनकम पे, वही सेम इनकम पे. उसके बाद दिया है वेरियस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80. तो यहाँ पर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है डिडक्शन को. एक है सेक्शन 80C से 80GGC तक जिसे नाम दिया गया है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, और सेक्शन 80IA से 80U तक जिसे नाम दिया गया है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम. ये था Unit 4. आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो. इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. अकॉर्डिंग टू आवर रिविज़न सीरीज़ कल आने वाला है अपना मॉनिटरी इकोनॉमिक्स का रिविज़न, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.